What's up everyone, welcome back to the channel. पहले दो पार्ट स्टाफिंग के, इवन पहले दो एलिमेंट स्टाफिंग के आपने देख लिए होंगे, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन. आज बात करते हैं लास्ट एलिमेंट जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट एज इससे केस स्टडी एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होता है, 100% आता ही आता है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टाफिंग का लास्ट एलिमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट खत्म हो और हम फिर फर्दर कंटिन्यू करें डायरेक्टिंग की तरफ. बोर्ड्स बहुत पास हैं, होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी. अगर नहीं करी है तो करना शुरू कर दो, छोटी छोटी वीडियोज आपके पास हैं, रिविजन करो, वीडियोज देखो और उसके बाद केस स्टडीज की तरफ जाओ. जितनी ज्यादा केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा है. और उसके साथ साथ ध्यान देना स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ MCQs, मल्टीपल चॉइस 20 मार्क के जो क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करना है ताकि एक अच्छा स्कोर मिले, और वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर दे सकते हैं. 20 मार्क के क्वेश्चन इस बार डिफरेंस क्रिएट करेंगे 80-on-80 में और 70-on-80 में. आपको 80-on-80 लेने हैं तो पहले 20 मार्क्स, उसके बाद केस स्टडीज, बस इतना ही है. बाकी प्रेजेंटेशन क्या करना है क्या नहीं करना वो सब बताने के लिए हम आपके साथ हैं और बता के चलेंगे बहुत सारी चीजें. चलो आज का वीडियो शुरू करें, पहले सिलेबस कंप्लीट करें. लेट स्टार्ट. का लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक जो बचा है वो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की तरफ. सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं. इनफैक्ट एक टॉपिक दूसरे को कवर अप कर लेता है. दोनों ही किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट से रिलेटेड है. अल्टीमेटली दोनों से ही एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होने वाला है, एम्प्लॉय को ग्रोथ मिलने वाली है. तो डेवलपमेंट ट्रेनिंग को खुद ही कवर अप कर लेता है. डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग. यानी कि डेवलपमेंट अगर आप किसी एम्प्लॉई का देख रहे हो तो अपने आप उसकी ट्रेनिंग वहां पे हो ही रही होगी. लेकिन स्टिल हम सबसे पहले ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉई विद रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म अ जॉब. किसी भी इंसान को एक जॉब के बारे में स्किल्स प्रोवाइड करना, सिखाना उसको, बताना उसको कि काम करना कैसे है, दैट इज ट्रेनिंग. अब अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई. देखिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉई आ रहा है और आप उसको सिर्फ काम करना सिखा रहे हो तो आप उसको सिर्फ ट्रेन कर रहे हो, आप उसकी सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हो. लेकिन वहीं आप उसको ओवरऑल कॉन्फिडेंस, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल ओरिएंटेशन, दूसरों से मिलवा रहे हो, लोगों के साथ फैमिलराइज करवा रहे हो ताकि वो सबकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चले, एक पॉजिटिविटी बने और वो एक इफिशियंसी के साथ अपना काम परफॉर्म करे सो दैट वो अपना बेस्ट दे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें उससे देखने को मिले. तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं उसके प्रमोशंस के, उसको एक लोअर जॉब से अपर जॉब पोजिशन मिलने के. तो दिस इज ओवरऑल डेवलपमेंट. अल्टीमेटली डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग इसके अंदर ही आ जाता है. तो अल्टीमेटली यहां से आप समझ सकते हो कि ट्रेनिंग इज जस्ट प्रोवाइडिंग द नॉलेज या स्किल्स, वेयर एज डेवलपमेंट इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई. ये हमने डिस्कस कर ही लिया. अब बात कर लेते हैं इस ट्रेनिंग के क्या फायदे होते हैं. तो ट्रेनिंग के दोनों को फायदे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉई हिमसेल्फ या हरसेल्फ भी, दोनों को फायदे होंगे. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? रिड्यूस लर्निंग टाइम. अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉई है, उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो नई स्किल सीखने में उसको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एनवायरनमेंट चेंज होगा, कुछ नया आएगा तो वो बहुत जल्दी उसको मगअप सीख लेगा, बहुत जल्दी उस चीज़ को टाइम नहीं लगाएगा, लर्निंग टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है. नेक्स्ट इज बेटर परफॉर्मेंस. एक ट्रेंड एम्प्लॉई हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करता है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, सारा काम अच्छे से होगा, इनफैक्ट कम कॉस्ट में होगा. आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, लेस कॉस्ट. इसके बाद एटीट्यूड फॉर्मेशन. एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक ट्रेंड एम्प्लॉई जिसको पर्टिकुलर किसी काम की ट्रेनिंग मिली है वो हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करता है. अगर कोई सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है जिसके अंदर उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्टिल उसको ट्रेनिंग दी गई है, तो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो उसको मदद करेगा उस सिचुएशन से डील करने में और सॉल्व करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम. तो ट्रेनिंग हेल्प करती है कि एम्प्लॉई का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है जिससे इन लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं. अब अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले एक ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा ज़्यादा पैसा कमाता है, उसकी जो प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे इन द होल एज अ ओवरऑल करियर ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, काफ़ी पैसा कमाएगा. दूसरा,
बेटर करियर ऑप्शंस। एक ट्रेंड एम्प्लॉय के पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होने वाले हैं। आपको जॉब ये नहीं होगा कि आप एक ही जॉब में फंस गए हो, दूसरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, जब आपका मन करे स्विच कर सकते हो। तीसरा, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। जब हम बात करते हैं मशीन ओरिएंटेड या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, मोस्टली अब वही चलता है, तो कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स के साथ काम हो रहा है, और अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो ट्रेंड नहीं है तो देर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, बट अगर ट्रेंड है तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, वो सेफ रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे खर्चा बच जाता है कि उसके जो मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं वो भी सेव हो जाती हैं अगर एम्प्लॉय ट्रेंड है। देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो होपफुली आपको ये बेनिफिट समझ में आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत ध्यान से करना है, देर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, फर्स्ट इज ऑन द जॉब एंड द अदर इज ऑफ द जॉब। सबसे पहले अगर मैं ऑन द जॉब मेथड की बात करूं तो इट इज लर्निंग व्हाइल डूइंग, कि आप कोई काम सीख रहे हो काम करते करते, दिस इज ऑन द जॉब। यहां क्या होता है कि आपको जॉब दे दी जाती है और जॉब करने के साथ साथ आप काम सीख भी रहे हो, उस चीज के लिए आपको पे भी करा जाता है, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सेकंड इज ऑफ द जॉब। व्हाट इज ऑफ द जॉब? यहां पे आपको आपके वर्क प्लेस से दूर लेके जाया जाएगा और वहां पहले काम सिखाया जाएगा, फिर आपको एक्चुअल में जॉब दी जाएगी। यानी इट इज लर्निंग बिफोर डूइंग। ये काम क्या होता है कि एक्चुअल में काम करने से पहले सीखना। अब ऐसा नहीं है कि हम करने नहीं वाले, कर रहे हैं, लेकिन पहले अच्छे से सीखेंगे उसके बाद फिर हम काम पे जाएंगे। तो दिस इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। इसके अंदर आ जाते हैं कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो ऑन द जॉब में चलते हैं और कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो ऑफ द जॉब में चलते हैं। सबसे पहले वन बाय वन ऑन द जॉब तीन मेजर टेक्निक्स हैं जो आपको सीखने हैं। द फर्स्ट इज अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम। व्हाट इज अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम? अगर हम अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम की बात करें तो दिस इज बेसिकली ऐसे लोगों में चलता है या ऐसे एम्प्लॉय में चलता है जो राइट नाउ अनस्किल्ड हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं? स्किल्ड जॉब्स में। स्किल्ड जॉब्स का मतलब क्या होता है? आप देखोगे आपके इलेक्ट्रीशियन या आपके कारपेंटर, वो लोग जब भी आते हैं उनके साथ एक कोई छोटा एम्प्लॉय या एक छोटा वर्कर होता है या एक छोटा कोई लड़का होता है जो अभी काम सीख रहा होता है। वो सिर्फ उसका काम क्या होता है? अपने मास्टर वर्कर को ऑब्जर्व करना। वो सिर्फ देखता रहता है कि उसका मास्टर किस तरीके से काम कर रहा है। वो एक एक चीज ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरीके से, अगर मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो वायर्स को कैसे कनेक्ट कर रहा है, एक एक सॉकेट कैसे लगा रहा है, कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करके चलता है। सिमिलरली कारपेंटर्स के साथ किस तरीके से वो एक एक कील लगा रहा है, किस तरीके से वो ड्रिल कर रहा है, हर चीज वो देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है और साथ साथ ही छोटे छोटे काम भी करता रहता है। धीरे 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 उसका मास्टर वर्कर उसको सब कुछ सिखा देता है और एक बार जब वो सब कुछ सीख जाता है तो फिर सारा काम उसको दे दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम। साथ साथ काम भी कर रहा है वो और सीख भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है अपने मास्टर वर्कर को। दूसरा होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे इंटर्नशिप में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो दो लोग कौन होते हैं? एक तो होते हैं एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट आपके कॉलेजेस भी हो सकते हैं, आपके स्कूल्स भी हो सकते हैं, और दूसरे होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ द कंपनीज, ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ कंपनीज। ये लोग क्या करते हैं? एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ कुछ ना कुछ डीलिंग्स होती हैं और जिसकी वजह से ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहाँ से लेटेस्ट टैलेंट वाले लोगों को, लेटेस्ट टैलेंट वाले बच्चों को, लेटेस्ट स्किल्स वाले बच्चों को बुलाते हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम देते हैं, वो लोग काम करते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन इनको मौका मिलता है इस थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्चुअल में प्रैक्टिस करने का। कहाँ पे? इन ट्रेनिंग सेंटर्स में। ये ट्रेनिंग सेंटर्स या ये कंपनीज इनको बदले में पैसा भी देती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिपेंड। स्टिपेंड एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती लेकिन हाँ इतना होता है कि ये काम इनसे फ्री में नहीं कराया जा रहा, इनको कुछ ना कुछ पे करा जा रहा है। तो ये अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा भी मिलता है। तो दिस इज द सेकंड टेक्निक, कम्स अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तीसरा होता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट एक्चुअली इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन? दिस इज बेसिकली एक नए एम्प्लॉई को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया उसको कंफर्टेबल फील कराना।
हम लोग बहुत सारे इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आया है तो हम उसको सब लोगों से मिलवाने वाले हैं, जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सबके साथ उसको कंफर्टेबल करवाएंगे, उसका वर्क पोजीशन उसको दिखाएंगे, उसको एक काम के बारे में उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, इनफैक्ट हर चीज़ में उसको मदद करेंगे ताकि वो कहीं से भी शाय फील ना करे, किसी भी एम्प्लॉई के या मास्टर या बॉस के टुवर्ड्स कोई नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म ना करे, ओवरऑल उसको सारा काम आता हो और उसकी इफिशियंसी इम्प्रूव हो, वो कॉन्फिडेंस के साथ एक हाई मोराल के साथ फर्स्ट डे से काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक अच्छे एक मेजर चेंजेस ला सके और बेटर रिजल्ट्स ला सके। तो ये सब इंडक्शन और ओरिएंटेशन में हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक जो इसके अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास ऑफ द जॉब का टेक्निक, और ऑफ द जॉब में एक सिंगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सीखना है वो है वेस्टिब्यूल स्कूल। व्हाट इज वेस्टिब्यूल स्कूल? इट इज अ डमी मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डमी मॉडल क्या होता है? मतलब कि हम लोगों को जहां पर सोफेस्टिकेटेड मशीन्स या फिर एक्सपेंसिव मशीन्स का काम होता है और उन मशीन्स पे अगर हम एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉई को काम देंगे तो वो मशीन में बहुत सारा डैमेज कर देगा, नुकसान कर देगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। इन दैट केस हम एक डमी मशीन उनको प्रोवाइड करते हैं जिस मशीन पे पहले वो काम सीखते हैं, एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको एक ओरिजिनल एक्चुअल मशीन दी जाती है, फिर वो उस ओरिजिनल मशीन पे काम करते हैं, तो हमारे पास वेस्टेज नहीं होता। अदरवाइज देर आर हाई चांसेस ऑफ वेस्टेज, मशीन खराब हो सकती है, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट काफी लग जाएगा, तो काफी लॉस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल। तो डमी मॉडल बनाएंगे, पहले उस पर काम सिखाएंगे, एक बार एम्प्लॉय काम सीख जाएगा देन ही इज गिवन द ओरिजिनल मशीन। इस तरीके का काम अकाउंट्स में भी होता है कि अकाउंटेंट्स को सबसे पहले रफ रजिस्टर्स दिए जाते हैं जिनके ऊपर सिमिलर कॉलम्स बने होते हैं जो कि एक्चुअल एंट्रीज में बने होते हैं, तो पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, एक बार वो परफेक्ट हो जाते हैं फिर उनको दी जाती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो होपफुली आपको ये समझ में आता है, दिस इज ऑफ द जॉब मेथड एंड दिस इज ऑन द जॉब मेथड। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया, और यहाँ हमारा स्टाफिंग भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसके नोट्स बनाना, अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग, और बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ कि ख़त्म करूँ इसको ताकि हम सेकंड पार्ट में मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट को सीख पाएँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।